ये जो आपका सवाल है कि ब्लड कैंसर कराची में बहुत फैल रहा है, ख़ास तौर पे मासूम बच्चों में, तो आपका ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए कि ख़तरनाक हद तक कराची में ब्लड कैंसर के पेशेंट बन चुके मासूम बच्चे। ब्लड कैंसर, उसकी चंद वजूहात हैं। अगर कराची में रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो सिर्फ इस चंद बातों के ऊपर ध्यान कर लें तो उनका बच्चा कभी भी ब्लड कैंसर का शिकार नहीं होगा। ब्लड कैंसर उन बच्चों को होता है जो चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी मशहूर कंपनी के चिप्स हों या बाहर मिलने वाले केबिन के ऊपर जो तले हुए चिप्स होते हैं उसमें। ये ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करता है, चीनी ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करके आपको ब्लड कैंसर का शिकार कर देती है या थैलेसीमिया का शिकार कर देती है। इसी तरह प्लास्टिक के बर्तन, जो प्लास्टिक के बर्तन है उसमें आप खाना खाएंगे तो वो आपको ब्लड कैंसर का शिकार करेंगे या ब्लड की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर देंगे। आयोडीन मिला नमक, आयोडीन मिला नमक से बचा जाए, पिंक नमक का इस्तेमाल किया जाए। ये जो चंद बातें मैंने आपको बताई, दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ मशहूर यूनिवर्सिटी की तहकीकात हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया की जदीद यूनिवर्सिटीज जो इस पर तहकीकात करती हैं, उन्होंने साबित किया है कि अगर कोई बच्चा चिप्स खाएगा तो उसे ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया या ब्लड की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा चीनी खाएगा तो उसको ये बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो कराची में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई बच्चा ब्लड कैंसर का शिकार नजर आएगा। खुदा का वास्ता, आप इस वीडियो को फैलाएं या किसी भी शख्स को रोक कर यह सदका जारिया कर दें कि भाई आप अपने बच्चों को चिप्स मत खिलाएं, चीनी मत खिलाएं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना होने दें, आयोडीन मिला नमक से दूर कर दें। ये जो बाहर जितनी टॉफियां और चॉकलेट मिल रही हैं ये मत खिलाएं, इससे ब्लड कैंसर हो जाता है। उस वक्त से डरें जब लोग मातम करें, उस वक्त से डरें जब लोगों को यह खौफ पैदा हो कि हमारे बच्चा 3 महीने में मर जाएगा, 4 महीने में, 2 साल में मर जाएगा, उस खौफ से बचें। ये सदका जारिया है। मेरी यही इल्तजा है तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, खुदा का वास्ता ब्लड कैंसर से बचने के लिए इन 4-5 चीजों को दूर कर दें, लोगों में ये बात फैलाएं, खुद से फैलाएं, ये वीडियो भेज दें। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।